कड़कड़ाती ठंड के बीच खेतीहर ग्रामीणों के लिए हाथी भी मुसीबत बन रहे हैं। एक तरफ तो गजराज फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं मजबूर किसानों के घरों को भी तोड़ रहे हैं। चैनपुर अनुमंडल के चैनपुर व जारी प्रखंड में लगातार जंगली हाथियों का आतंक जारी है। जंगली हाथी घर, फसल, अनाज और आदमी सभी को अपना निशाना बना रहे हैं। शनिवार की रात जंगली हाथी ने चैनपुर थाना क्षेत्र के बम्हनी गांव में जमकर उत्पात मचाया है। बम्हनी गांव की अर्पणा मिंज पति प्रकाश मिंज के घर को जंगली हाथी ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, साथ ही घर में रखे धान को भी चट कर गए। अर्पणा मिंज ने बताया कि रात लगभग 2:15 घर गिरने की आवाज सुन अचानक नींद खुली तो अपने पति के साथ बाहर निकल कर देखा तो एक जंगली हाथी हमारे घर को धास रहा था, जिसके बाद हम अपने परिवार के साथ गांव में पड़ोसी के घर भागकर अपनी जान बचाए। चैनपुर अनुमंडल में लगातार जारी प्रखंड और चैनपुर प्रखंड में हाथी का प्रकोप बना हुआ है और आज रात को जंगली हाथी बम्हनी गांव में घुसा, वहां के कई किसानों का फसल को बर्बाद कर दिया और एक महिला जो घर में थी और उनका घर को जंगली हाथी ने धस दिया। और इसकी तुरंत सूचना मैंने वन विभाग के पदाधिकारियों को दी और उनको आश्वस्त किया है, ग्रामीणों की निश्चित रूप से वन विभाग द्वारा उन्हें मुआवजा दिलाया जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।